ना संघर्ष ना तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, तो मैं शेर सिंह राजपूत, तो स्वागत है आपका एक बार फिर नवजीवन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। जो आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा भारत में विश्व धरोहर या भारत में यूनेस्को की धरोहर कौन कौन सी है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं यूनेस्को, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है पेरिस फ्रांस। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है आंद्रे अंजोले। तो इसके आंद्रे अंजोले इसके अध्यक्ष है। तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय है पेरिस फ्रांस और अध्यक्ष है आंद्रे अंजोले। और बात करते हैं, यह है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। और धरोहर क्या होता है? तो धरोहर होता है एक, तो बात करते हैं धरोहर की, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है ऐतिहासिक अवशेष, ऐतिहासिक अवशेष और प्राचीन स्मारक। तो यूनेस्को ने वर्ष 1972 को एक पहल शुरू की गई थी कि विश्व के अंदर सांस्कृतिक प्राकृतिक महत्वपूर्ण स्थान को संरक्षण किया जाए, सांस्कृतिक और प्राकृतिक प्रकृति स्थल को वह महत्वपूर्ण स्थानों का संरक्षण किया जाए। संरक्षण किया जाए तो भारत में कुल 30 सांस्कृतिक, तो भारत में कुल 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित विश्व धरोहर है। कितनी है? 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित धरोहर है। तो उनके बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी सांस्कृतिक है, कौन कौन सी प्राकृतिक है और एक कौन सी मिश्रित है। तो देखते हैं हम सांस्कृतिक धरोहर की, पहले हम बात करते हैं ताजमहल की। तो इसे वर्ष 1983 में इसे विश्व, तो हम बात करते हैं सांस्कृतिक धरोहर की पहले, तो बात करते हैं ताजमहल की। तो इसे सन 1983 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। और किस राज्य में है? ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं अजंता की गुफाएं की। तो इसे वर्ष 1983 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया और है कहाँ? ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। बात करते हैं एलोरा की गुफाएं। इसे वर्ष 1983 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था और यह है कहाँ? यह है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। बात करते हैं आगरा का किला। इसे वर्ष 1983 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था और है कहाँ? यह है उत्तर प्रदेश में। 1983 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था और है उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं महाबलीपुरम के स्मारक। तो इसे वर्ष 1984 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था और है कहाँ? यह है तमिलनाडु में। बात करते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर। इसे वर्ष 1984 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया था और है कहाँ? यह है उड़ीसा में। इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। बात करते हैं गोवा का चर्च।
इसे वर्ष 1986 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया था, 1986 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। और है कहाँ? ये है गोवा में। बात करते हैं फतेहपुर सीकरी, तो इसे वर्ष 1986 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया था और है कहाँ? ये है उत्तर प्रदेश में। अब देखते हैं आगे तो हम्पी के स्मारक, तो इसे वर्ष 1986 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था और है कहाँ? ये है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। बात करते हैं खजुआरो के मंदिर, इसे वर्ष 1986 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। कब? 1986 को विश्व धरोहर का दर्जा दिया था और है कहाँ? ये है मध्य प्रदेश में। बात करते हैं एलिफेंटा की गुफाएं, इसे वर्ष 1986 में विश्व धरोहर का दिया एलिफेंटा की गुफाएं इसे वर्ष 1987 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था और है कहाँ? ये है महाराष्ट्र में। बात करते हैं महान चोल मंदिर, इसे वर्ष 1987 को विश्व धरोहर का दर्जा दिया था और है कहाँ? ये है तमिलनाडु में। बात करते हैं पट्टाकल के स्मारक, इसे वर्ष 1987 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया था और है कहाँ? ये है कर्नाटक में। बात करते हैं सांची का स्तूप, इसे वर्ष 1989 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया था और है कहाँ? ये है मध्य प्रदेश में। बात करते हैं हुमायूं का मकबरा, तो इसे वर्ष 1993 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया था और है कहाँ? ये है दिल्ली में। बात करते हैं कुतुब मीनार, इसे वर्ष 1993 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया था और है कहाँ? ये है दिल्ली में। अब देखते हैं आगे, तो भारत के तीन जो पर्वतीय रेलवे हैं जिसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था वो कौन कौन सी? एक तो है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, इसे वर्ष 1999 को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। और एक है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, इसे वर्ष 2005 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। एक है कालका शिमला हिमालयन, इसे वर्ष 2008 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। ये भारत के पर्वतीय रेल है तीन। और अगला है महाबोधि मंदिर, इसे वर्ष 2002 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था और है कहाँ? ये है बिहार में। कहाँ है? बिहार में। अगला है भीमबेटका की गुफाएं, इसे वर्ष 2003 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था और है कहाँ? ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला है चंपानेर पावागढ़ पार्क, इसे वर्ष 2004 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था और है कहाँ? यह है गुजरात में। और है कहाँ? गुजरात में। बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, इसे वर्ष 2004 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था और है कहाँ? यह है महाराष्ट्र में। अब देखते हैं आगे, तो लाल किला, इसे वर्ष 2007 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था और है कहाँ? ये है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। बात करते हैं जंतर मंतर, इसे वर्ष 2010 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था, है कहाँ? ये है जयपुर राजस्थान में। कहाँ? जयपुर राजस्थान में। रानी की वाव, तो इसे वर्ष 2014 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था और है कहाँ? ये है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, तो इसे वर्ष 2016 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था और है कहाँ? ये है बिहार में। कहाँ है? बिहार में।
बात करते हैं कैपिटल बिल्डिंग की, तो इसे वर्ष 2016 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था और है कहां? ये है चंडीगढ़। कहां है? चंडीगढ़। तो अहमदाबाद, इसे वर्ष 2017 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था और है कहां? ये है गुजरात में। बात करते हैं जयपुर परकोटा, तो इसे वर्ष 2019 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था और है कहां? ये है राजस्थान में। तो ये तो थे सांस्कृतिक विश्व धरोहर। अब बात करते हैं प्राकृतिक विश्व धरोहर कौन कौन सी है। अब देखते हैं प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल कौन कौन से हैं। एक तो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो इसे वर्ष 1985 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था और है कहाँ? ये है असम में। कहाँ है? असम में। एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसे वर्ष 1985 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था और है कहाँ? ये है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। एक है मानस राष्ट्रीय उद्यान, इसे वर्ष 1985 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था और है कहाँ? ये है असम में। एक है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, इसे वर्ष 1987 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था और है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। फूल की घाटी, वर्ष 2005 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था और है कहाँ? ये है उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड में। एक है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसे वर्ष 2014 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था और है कहाँ? ये है हिमाचल प्रदेश। एक है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसे 1986 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था और है कहाँ? ये है उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड में। एक है मिश्रित विश्व धरोहर कौन सा है, वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसे 2016 को विश्व धरोहर में धरोहर का दर्जा दिया गया था और है कहाँ? सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। तो ये था आज का वीडियो जो भारत में यूनेस्को की प्रमुख धरोहर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।